हेलो हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल डूइंग यस ओ पी अभी बताता हूँ लगन. <coughs> लगन 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 लग गई है <laughs> लगन लगन लगी लगन बेटा तुम्हारी खूब पिटाई होगी यस yes, लगन इज देर शिवांगी श्रेया लेट ओ पी जो जो बच्चे लेट ओ पी बोल रहे हैं उनकी मम्मी से उनकी कंप्लेंट हो जाएगी लेट ओपी भी बोल रहे हाय बेटा चैत्रा हाय नितनीतू एंड हमारा नाम तो जानते होगे आई एम अमृतराज एंड आई एम योर बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतू यस हाय गाइस हाय गुड इवनिंग ओके अरे सर अच्छा बेटा हाय बेटा हाय चंचल हाय श्रद्धा हाय अक्षु यस yes, बच्चों मम्मी पापा ने बोलना शुरू कर दिया क्या आ गया है सीरियस हो जाओ यस yes, किस किसके मम्मी पापा ने बोला है है कि भाई बहनों टेस्ट आ गया है, थोड़ा सीरियस हो जाओ थोड़ा स... बहुत इंपॉर्टेंट साल है ये बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं ठीक है बहुत अच्छे से मेहनत करना किसकी मम्मी पापा ने ऐसा बोला है भाई जल्दी बताओ किन किन के पेरेंट ने बोला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिंदगी का एग्जाम है यस yes. बोला है कि सीरियस हो जाओ यस yes, करण जोशी करण जोशी की मम्मी ने बोला है कि करण जोशी जोशी बेटा सीरियस हो जाओ यस yes. <laughs> मैंने सबने बोला है सर डंडा पड़ रहा है मनराज को तो डंडा पड़ रहा है भाई मत मारो हमारे मनराज बच्चे को सर डंडे पड़ नमन को भी डंडे पड़ रहे हैं सबको डंडे पड़ रहे हैं मतलब मतलब एक माहौल हो गया है एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है क्लास टेंथ में आते ही ना कि सीरियस हो जाओ जैसे कि मतलब हम तो सीरियस थे ही नहीं बच्चे हैं बच्चा से बट तो आज आज की की क्लास में बेटा कक्षा में हम क्या करने वाले हैं बताओ आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं आज की कक्षा में हम समझेंगे कि भाई पूरी एक साल हमें क्या करना चाहिए कि जिंदगी हमारी बिना डंडे खाए कुशल मंगल तरीके से बीत जाए और हम तैयार भी हो जाए बेटा प्लीज ध्यान से सुनो देखो ये जो एक साल की जर्नी है ना ऐसा नहीं है कि एक बार में हो जाए ठीक है स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है ओ, मैं तो 95 परसेंट लाऊंगा 90 परसेंट लाऊंगी मैं तो 80 परसेंट लाऊंगा ऐसा जोश होता है बट जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं एक महीने बाद सारा जोश ठंडा हो जाता है ठीक है तो बेटा इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम आपको बताएंगे कि क्या करना है ताकि आपका जोश आपका खून ठंडा ना हो ठीक है बच्चों, <laughs> खून ठंडा तो नहीं होगा ना जल्दी बताओ एकदम खून खोलते हुए फायर वाला चैट में डाल दो फायर कम ऑन फायर फायर है मैं सारे बच्चे फायर इन द चैट बॉक्स वेरी गुड प्रिया कह रही है हमारा खून ठंडा नहीं होगा प्रिया पाठक ने कह दिया भाई खून ठंडा नहीं होगा ठंडा <laughs> हो गया तो खून में ना गरम गरम चाय पी लेना गरम हो जाएगा एनी वेज लेट्स गो टू दीडियो मतलब लेट्स स्टार्ट इट वीडियो पे तो थे ही हम तब से ये लो ध्यान से देखो बेटा ठीक है मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ भाई एक साल तक बेसिक चीज है बेटा देखो आपके सीनियर्स ने सेम चीज फॉलो करी थी ठीक है आपके जो बड़े भैया भैया ना उन लोगों ने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी एंड दे डिड रियली वेल उन्होंने एग्जाम में बहुत तोड़फोड़ मचा रखी है ठीक है और आप लोग भी तोड़फोड़ मचा दोगे एग्जाम में अगर ये जो मैं चीज बताने जा रहा हूं पांच पांच बताऊंगा उसको फॉलो कर लोगे बायोलॉजी ही नहीं पूरा का पूरा आपका साइंस पूरा का पूरा मैथ्स इंग्लिश सब शॉर्ट हो जाएगा ठीक है भाई चंचल के तो यूटी भी आ गए एनीवेज स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग जब दुनिया सो रही हो तब पढ़ाई करो वर्क वाइल आर लोफिंग लोफिंग मतलब टाइम पास कर रहे हैं जब दुनिया टाइम पास कर रही है अपना मेहनत करो प्रिपेयर अदर्स आर प्लेइंग जब दुनिया खेल रही है तुम प्रिपेयर करो ड्रीम वाइल्स अदर्स आर विशिंग ड्रीम मतलब ड्रीम एम करो और बस सोचते मतलब हो जाए हो जाए हो जाए उसको अपना ड्रीम बनाओ उसको गोल बनाओ और एक्शन लेने लग जाओ ठीक है समझे बच्चे तो आप लोगों का क्या ड्रीम है जल्दी बताओ वट आर योर ड्रीम्स बेटा अच्छा एक बार बताओ कितने लोग लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो चलो ये बता दो <laughs> सर मैं भी सक्सेसफुल बनना चाहता हूं डॉक्टर बनना चाहते हैं एम्स जाना चाहते हैं आई बनना चाहते हैं आईआईटी करना चाहते हैं नीट करना चाहते हैं वेरी गुड वेरी गुड बहुत सारे बच्चे भाई हमारे कार्यशील बच्चे हैं क्या है ये देखें पीएस गेमिंग मनराज गोल्फर बनना चाहते हैं वर्षा एम्स करना चाहती हैं कार्तिका डॉक्टर बनना चाहती हैं ठीक है एक बार इसको चार्ट करो ऊपर निकाल लेता हूं मैं पॉप आउट देखें और क्या है एवरीथिंग कह रहे हैं डॉक्टर बनूंगा एपिक कह रहे हैं आईआईटी आई कह रहे हैं आई तूबा कह रहे हैं जेई करना है वेरी गुड भाई आई एम्स वाले इंजीनियरिंग वाले बच्चे बहुत ज्यादा है बेटा देखो जो भी आईआईटी और डॉक्टर बनना चाहते हैं ना अपना टेंथ बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है ठीक है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना अपना बेस ताकि इलेवंथ ट्वेल्थ में ईजी रहे ठीक है टेंथ में अच्छे नंबर आएंगे ना ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है ठीक है वेरी गुड वेरी गुड बेटा आपको पता है इन सब की कोई फीस लगती है इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल आईआईटी करना है एम्स करना है ठीक है आई बनना है जो भी बनना है उसकी बेटा फीस होती है फीस क्या होती है हार्डवर्क होती है कोई भी चीज आप सोचते हो ना बेटा उसके लिए यू हैव टू पे द प्राइस जिंदगी में अगर आप कोई भी चीज सोचते हो उसकी आपको प्राइस देनी पड़ती है समझ रहे हो प्राइस क्या है हार्ड वर्क सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस मतलब हार्ड वर्क पहले समझते हैं हार्ड वर्क मतलब रोज आठ दस घंटे मेहनत करना आठ दस घंटे स्कूल के अलावा पढ़ाई वगैरह में सैक्रिफाइस मतलब मूवी का सैक्रिफाइस करना आईपीएल मैचेस चल रहे हैं सैक्रिफाइस करा दोस्त बाहर बुला रहे हैं वो सैक्रीफाइस करा दोस्त खेलने बुला रहे हैं खेल लो थोड़ा सा बट तफरी मत मारो वो सैक्रीफाइस स्लीपलेस नाइट सोने का मन करा सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहे हो समझ रहे बेटा जो फीस भरेगा समझ रहे हो पेइंग द प्राइस फॉर सक्सेस विल ओनली गेट सक्सेस बेटा देखो सोच लेने से चीजें नहीं होती यू हैव टू वर्क फॉर इट इतनी बात समझ आ गई जो भी आपका एम है अस्सी परसेंट नाइनटी परसेंट सर आई आई टी करना है ठीक है तो बच्चों तैयार हो हार्डवर्क करने के लिए अभी पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप है हार्डवर्क करके क्लास टेंथ को फोड़ देंगे पहला स्टेप है क्लास टेंथ में हार्डवर्क करके उसको फोड़ देंगे ठीक है तैयार हो इसके लिए वाह सारे बच्चे तैयार हैं यस बच्चों फोड़ देंगे द कमेंट बॉक्स सर फोड़ देंगे मेहनत करेंगे बहुत ज्यादा कमॉन वेरी गुड वेरी गुड बेटा शिवांगी वेरी गुड एनर्जी लग रही है मुझे तो यहां पे बैठ की एनर्जी दिख रही है आप लोगों की बहुत बढ़िया वेरी गुड चलो चलो भाई जीवन में थोड़ा आगे बढ़ता है बहुत बढ़िया बेटा वेरी गुड बेटा एल्फा अब अब क्या आपने क्लास के सारे बायोलॉजी सारे फिजिक्स सारे सारे maths, सारे केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और एस के सेशन अटेंड करें ये बताओ बेटा वेदांतों पे हम लोगों ने क्लास टेंथ का पोर्शन स्टार्ट कर दिया है ठीक है ये देखो लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर है मैंने चार सेशन करा चुके अभी तक आप लोगों ने ये सब देख लिए यस वेरी गुड बेटा अप टू डेट रहना है आज सेशन होता है तो आज ही देख लेना चाहिए चाहे वो बायो का हो मैथ्स का हो एसएसटी का हो केमिस्ट्री का हो फिजिक्स का हो किसी भी चीज का हो समझ रहे हो अक, अक्षु कह रहे हैं कि सर सारे नहीं करे क्यों नहीं करे मेरे बच्चे अक्षु ने सारे नहीं करे वेरी गुड और किसी ने यस yes, बेटा प्रीतम यू कैन डेफिनेटली गेट ठीक है बेटा सबसे पहली चीज है बेटा चाहे आप वेदांतु में पढ़ रहे हो या कहीं पे भी पढ़ रहे हो ठीक है अटेंड ऑल द द ऑन डेट सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एंड देखो 9, 10, 10 को सब्सक्राइब कर ही लो बेटा यहां पे पढ़ के बच्चों के टॉप लेवल स्कोर आए अपने सीनियर से पूछ लेना ठीक है जो हमने हमने एग्जाम से पहले बताया था ना एक दिन पहले सेम क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं ठीक है नॉट एट ऑल ठीक है ंड्रेड परसेंट मैं बता रहा हूं आप बस हमारे साथ चिपक जाओ एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ ठीक है बट रेगुलर करना है बेटा ऐसा नहीं है कि आज कर लिया कल को नहीं करा छोड़ दिया जैसे कि देखो इसमें थर्टी थ्री थाउजेंड व्यूज इसमें सेवनटीन थाउजेंड व्यूज इसमें टेन थाउजेंड व्यूज इसमें नाइन पॉइंट नाइन इसका मतलब क्या है देख रहे हो खून ठंडा होता जाता है <laughs> खून ठंडा होता जाता है सबसे पहले में तो जोश में सबने देखा फिर भाग्य नहीं देखा मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखो मैं कह रहा हूं कि जो भी है, फोकस करो। हर रोज काम करना है। ठीक है मैराथन no, 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 no. की तरह ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन नहीं पढ़ा दूसरे दिन पढ़ लिया तीसरे दिन पढ़ा नो एवरी डे यू हैव टू डू ठीक है एवरी डे एवरी डे ठीक है चलो आगे आ जाओ अच्छा एक बार बताओ कितने बच्चों ने शेड्यूल अभी तक नहीं बनाया है रेज योर हैंड कितने बच्चों ने अभी तक शेड्यूल बनाया है? नहीं है सौ बार बोल चुके हैं बट बनाया नहीं बेटा कितने रेज योर हैंड इन कमेंट बॉक्स अनु ने नहीं बनाया अंजलि yes. ने नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया. <laughs> और किस भाई साहब इतने सारे बच्चे एक बार रुको, मेरे भाई साहब तो बच्चों किस चीज का इंतजार कर रहे हो ये कौन कौन है ये अंजलि कनिष्ठ ने बना लिया है और कौन है अयान साफी ने नहीं बनाया है सुनीधि ने नहीं बनाया है जानवी ने नहीं बनाया है। भाई क्या कर रहे हो <laughs> तुम क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ ये सब दोगला पेन है वो सुना है वो अश्निश गोवर कहता है ये क्या कर रहे हो भाई तुम अपनी जिंदगी के साथ ये सब छोड़ दो सब दोगला पेन है छोड़ो क्या करोगे पढ़ लिख के जाओ ठेली लगाओ <laughs> मम्मी कहते ना ठेला लगा देंगे तुम्हारी सब्जी की बेटा शेड्यूलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अब एक बच्चा बीच में मुझे था कि सर शेड्यूल तो बना लिया बट फॉलो नहीं होता देखो है ना बच्चे कह रहे हैं कि सर शेड्यूल तो बना लिया है बट टास्क बेटा देखो देखो सिंपल सा रूल है बहुत ही सिंपल रूल है शेड्यूल होता है तो आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है आपको लगता है कि अरे यार मैंने ये नहीं करा मैंने ये नहीं करा तो आप करोगे इवेंचुअली शेड्यूल नहीं है तो जीवन में कोई प्रेशर नहीं होगा तो आपसे नहीं हो पाएगा समझ रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं गाइज कि भाई प्रेशर है शेड्यूल होना चाहिए जिंदगी में डायरेक्शन होना चाहिए ठीक है देखो इतने सारे बच्चे जिन्होंने शेड्यूल नहीं बनाया जिस चीज शेड्यूल बनाया ना मैं उसको लिख के देता हूं भाई उसका अच्छा स्कोर रहेगा बेटा शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि आ, मतलब आप एकदम टाइट हो

वही तो इंसान सक्सेसफुल होगा जो इंसान ने जो सोचा कि आज मेरे पांच टास्क है पांचों मैंने खत्म कर दिया वही तो सक्सेसफुल होगा और वो एक दिन नहीं करता वो ऐसा रोज करता है और वो ऐसा पांच साल दस साल बीस साल से करता आ रहा है वो ऐसा समझो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो सारे काम सौ साल सौ साल से तो ज्यादा हो गया पांच साल दस साल से करता आ रहा है तब जाके वो सक्सेसफुल होता है और इसकी इसकी शुरुआत कब से होती है आपसे अभी से होनी चाहिए शुरुआत समझ हैबिट्स होती है बेटा तो ये हैबिट्स होती है जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान या आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाती है समझ आ रही मेरी बात यस सो गाइस प्लीज मेक अ शेड्यूल अब बच्चे कहते हैं कि सर शेड्यूल तो बना लेते हैं बट फॉलो नहीं होता कोई बात नहीं दोबारा बनाओ समझ रहे हो हार मत मानो देखो इट इज लाइक अ फाइट बिटवीन यू एंड योर शेड्यूल आपकी और आपके शेड्यूल की फाइट है हमेशा आपका शेड्यूल आपसे जीत जाता है तो कोई बात नहीं ना यार दोबारा ट्राई करो ट्राई अगेन ट्राई अगेन शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ ट्राई करो दोबारा ट्राई फॉलो नहीं हुआ दोबारा ट्राई करो टारगेट को थोड़ा कम कर दो को थोड़ा बढ़ा लो समझ न्यू न्यू अगर आपको लगता है कि हर हफ्ते आपको नया शेड्यूल बना पड़े तो नया शेड्यूल बनाओ कभी तो आपका शेड्यूल हारेगा ना आपसे समझो मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं कभी तो आपका शेड्यूल आपसे हारेगा ठीक है सो प्लीज मेक अ शेड्यूल हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल ठीक है जिससे क्या होगा आपकी जिंदगी में थोड़ा ऑर्डर रहेगा आपकी जिंदगी में थोड़ा प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी अगर आपका शेड्यूल नहीं होगा प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होगी ना आपको एंग्जाइटी होगी आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है जब आपकी जिंदगी में शेड्यूल होता है तो आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है आज क्या हो रहा है कल क्या हो रहा है एंग्जाइटी क्यों होती है इंसान को एंग्जाइटी क्यों होती है स्ट्रेस क्यों होता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है हाँ कि ना करेक्ट मीफ आईम रॉन्ग ट स्ट्रेस्ट वाई डू यू गेट यू नो क्या कहते हैं एंग्जाइटी यस वेन यू डोंट नो कि क्या होने वाला है शेड्यूल दैट सी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओके तो बस ठीक है और शेड्यूल में भी पिकअ स्लॉट पच्चीस पच्चीस मिनट के शेड्यूल लगाओ पच्चीस पच्चीस मिनट के लिए पच्चीस मिनट पड़ा पांच मिनट ब्रेक पच्चीस मिनट पड़ा पांच मिनट ब्रेक टेक फाइव इसको समझ आई बात वेरी गुड कितने बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं पहले बताओ कितने बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं कि सर मैंने इस साल का टेंथ का पेपर देखा मैंने उससे पहले का भी देखा देखा किसी ने कुछ बच्चों ने देखा पीयूष ने देखा है very good. बड़ा जिसने भी नहीं देखा है, सबसे पहली चीज इस क्लास के बाद सिलेबस देख लेना सबसे पहली चीज़ सिलेबस देख लेना, सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेना कुछ समझ नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर देख के बट अंदर से आवाज आएगी यार ये मैं कर सकता हूं ठीक है एंड मी बेटा आप जब देखोगे ना और फिर जब आप पढ़ना शुरू करोगे

कि आप टेस्ट दे रहे हो एक एक सब 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 चैप्टर का ठीक है <laughs> समझे मेरी बातों को हर चैप्टर का आपको टेस्ट से घबराना नहीं है कितने बच्चों को टेस्ट देने से घबराता है हाउ मेनी ऑफ यू आर स्कैर्ड ऑफ गिविंग टेस्ट बताओ कितने लोगों को टेस्ट देने से डर लगता है रेज योर हैंड्स हाउ मेनी ऑफ यू आर स्कैर्ड ऑफ गिविंग अ टेस्ट यस लेजेंडरी स्कैर्ड बहुत सारे बच्चे डरते हैं निशा भी डरनी है अनिल शिवांगी वॉरियर प्लेस नहीं डरते आयुष डरते हैं ओके, okay. और कोई डरता है सचिदानंद गुड चैत्रा भी डरते हैं बेटा देखो डर सबको लगता है बट यू शुड नॉट पोस्टपोन एनी टेस्ट ठीक है चाहे डर लगे या ना लगे आपको हर टेस्ट देना है समझे इस यू हैव टू गिव ऑल द टेस्ट दोगे टेस्ट यस बेटा टेस्ट इज लाइक मैच अगर आप टेस्ट देने की आपकी आदत पड़ जाएगी ना तो आपको समझ आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल होती है और बाई द टाइम आपका बोर्ड एग्जाम आएगा आप रेडी हो जाओगे ठीक है यू विल भी वेरी मच रेडी फॉर द टेस्ट ओके सो प्रोमिस मी गाइज यू विल नॉट मिस इवन अ सिंगल टेस्ट चाहे पढ़ाई करी हो चाहे पढ़ाई ना करी हो आप सारे टेस्ट दोगे ठीक ठीक है 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 परफेक्ट एंड एंड यस गाइस प्रिपेयर चैप्टर विद नोट्स 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 माय टेक्निक बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता टेक ड्यूरिंग द क्लास देखो जो वेदांतों के बच्चे होते हैं ना वेदांतों के तो हम हर हफ्ते टेस्ट कराते हैं हर पंद्रह दिन में या फिर एक महीने में वेदांतों में तो टेस्ट होते ही होते हैं ठीक है तो ज्वाइन जिस बच्चे ने वेदांतों का ज्वाइन कर रखा है वो तो टेस्ट जरूर देना जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर रखा है कहीं से पेपर लेके जरूर कर लेना चाहे वेदांतों का या कहीं और का भी पेपर लेके जरूर टेस्ट सॉल्व कर लेना ठीक है देन नोट्स बनाने ठीक है बेटा जो भी क्लास अटेंड करो उसके नोट्स जरूर बनाने अपने हाथों से बनाना इससे क्या रहेगा आपके दिमाग में वो और डीपर लेवल तक जाएगा ठीक है मेक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड गेट इट सॉल्व एंड ऑफ द क्लास मेक समरी मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया था समझ रहे हो देखो होता क्या है बेटा कई बार ना आप टेस्ट सॉल्व करोगे कुछ टेस्ट करोगे उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप आंसर नहीं कर पाओगे प्लीज समझो कई बार आप टेस्ट दोगे उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपने आंसर नहीं कर पाए उस क्वेश्चन के नोट्स बना लो कि भाई ये क्वेश्चन पेपर में आया था मैं आंसर नहीं कर पाया था पानी पी रहा था बच्चों ठीक है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप आंसर नहीं कर पाए थे उसको स्टार्टिंग खुद खुद से ये काम करना बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं तो एंड में जाके दिक्कत हो जाती है ठीक है और कोई क्वेश्चन नहीं हो पाते तो उसको नोट कर लेना ठीक है अन वेदांतों को पता है ना बच्चे जो भी वेदांतों में पढ़ते हैं आपको पता है ना आपके प्रोफाइल में

भाई साहब बायोलॉजी का मैं बता देता हूं और फिजिक्स केमिस्ट्री सबका बता देता हूं बेटा फोकस ऑन डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स हर चीज में चाहे वो बायोलॉजी हो गया केमिस्ट्री हो गया कुछ भी हो गया अगर डायग्राम दिया हुआ है किसी चीज का इसका मतलब क्या है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी चीज का बच्चे अगर आपको डायग्राम दिया है ना इसका मतलब है वो टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है मेक श्योर मेक श्योर स्टार्टिंग से ही सारे डायग्राम सारे एग्जाम्पल्स बेटा आप एक ए शीट में लिख लो हम लोग क्या करते कितने बच्चे डायग्राम को बस एग्जाम के एंड में पढ़ते हो ये मैं भी करता था जब एग्जाम आता है तभी एग्जाम से पहले मैं डायग्राम पढ़ता था कितने लोग ऐसा करते हो मैं करता था ऐसा अक्षु पूछ रहे हैं कि सर विच इज प्रेफरेबल टू मेक नोट ड्यूरिंग द क्लास और आफ्टर द क्लास बेटा डिपेंड्स ऑन योर क्लासेस जैसे कि वेदांतु में आई वुड से आफ्टर द क्लास नोट्स बना लिया करो क्योंकि वेदांतु के जो टीचर के नोट्स होते हैं ना हैंड नोट्स वो आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो है ना बेटा अक्षु तो इन दैट केस यू कैन यू नो मेक द नोट्स आफ्टर द क्लास जब टीचर पढ़ा रहा है उसको समझ लो ठीक है बाद में कर सकते हो अगर नहीं है तो फिर डिपेंड्स ऑन योर मैथड ऑफ स्टडिंग ठीक है बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं बेटा डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है सब सब डायग्राम एग्जाम से पहले पढ़ते हैं ऐसा मत करो ठीक है डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डायग्राम से आसपास जितनी भी चीज़ होती है डायग्राम एक हो गया उस टॉपिक में

तो करोगे सब आज का होमवर्क क्या है क्लास खत्म होने के बाद भाई साहब शेड्यूल बनाना है सबसे पहले नंबर टू सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं ठीक है ठीके? और और क्या करना है जो भी टेस्ट आएंगे टेस्ट को करना है पूरा यस सबके नोट्स बनाने हैं सारे डायग्राम्स सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिख के रखने समझे बच्चे यस परफेक्ट नाउ अब जो बच्चे बेटा देखो क्लास टेंथ मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट होती है थोड़ा सा प्रेशर होता ही होता है ठीक तो है कितने बच्चों ने ऑलरेडी वेदांत ज्वाइन कर रखा है रेज योर हैंड्स इन द कमेंट बॉक्स कितने बच्चे ऑलरेडी विदांत में पढ़ते हैं मुझे बताओ कितने बच्चे ऑलरेडी वेदांतों में पढ़ रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं परफेक्ट देख रहे हो बच्चे ये सारे बच्चे ऑलरेडी वेदांतों में पढ़ रहे हैं ठीक है ये सारे बच्चे ऑलरेडी वेदांतों में पढ़ रहे हैं एंड अगर आपने वेदांतों में एनरोल नहीं वीडियो चल रही है वेदांतों की इसको पहले लाइक करो फिर थोड़ा नीचे आओ यहां पे देखो आपको दिखेगा लाइट क्लास टेन सीबीएसई ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इस पर क्लिक करो ये पेज ओपन हो जाएगा ये देखो पूरा का पूरा वेदांतु का वन ईयर का कोर्स ठीक है सीबीएसई टेंथ का इट इज अवेलेबल फॉर ओनली फोर्टी फाइव हंड्रेडीज पूरा का पूरा वेदांतु का क्लास टेंस कितने का, का साढ़े चार हजार रुपए में बताओ इसमें और क्या क्या है ध्यान ध्यान से से सुनो देखो ध्यान से देखो आप कंपेयर करना ठीक है आप कहीं पे भी पढ़ते हो वहां पे आप कंपेयर करना कि कितनी फीस देते हो और क्या क्या, क्या? क्वालिटीज प्रोवाइड करते, है, करते हैं फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं मैं आपको एक बार विदांतों की फैसिलिटीज बताता हूँ ठीक है फिर हम देखेंगे कि बाकी जगह पे क्या कॉस्ट होती है और आप कहाँ पे क्या पे करते हो और मतलब वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है ठीक है इंग्लिश एंड मैथ्स छे के छह सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ठीक पूरी -पूरी है पूरे के पूरे कोर्स कराए जाते हैं एंड एंड इफ यू सी इफ यू सी इसके नीचे आओ इसमें गाइस लाइव इन क्लास डाउट सॉल्विंग होती है जितने भी आपके डाउट होते, है, होते हैं लाइव सॉल्व होते हैं ठीक है आपको हर क्लास के बाद असाइनमेंट मिलता है क्लास में नोट क्लिक करा डाउनलोड कर दिया एक बच्चा पूछा था अंशु अभी की सर जो असाइनमेंट है सॉरी क्लास में नोट्स बनाऊं कि क्लास के बाद नोट्स बनाऊं यह बहुत लोगों को फील होता है कि सर मैं क्लास में जब टीचर पढ़ा रही हैं तब मुझे नोट्स बनाने चाहिए कि बाद में बनाने चाहिए भाई साहब यहां पे आप कभी भी बनाओ टीचर पढ़ा रहे हैं ठीक है आप उनके हैंड रिटन नोट डाउनलोड कर सकते हो या फिर आपका मन है सर पढ़ लेता हूं अभी बाद में बनाऊंगा तो पढ़ लिया क्लास में फिर क्लास खत्म होने के बाद आपने रिप्ले देख के नोट्स बना लिए ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता क्लास मिस हो गई तो हो गई फिर आप नोट दोस्तों से नोट्स मांगते हो भाई नोट्स दे दे कोई देता है कोई नहीं देता है ना ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं नंबर टू डाउट्स ऑफलाइन कोचिंग में टीचर ज्यादा डाउट सॉल्व नहीं करते फिर शर्म आती है पूछने में कितने लोगों को शर्म आती है डाउट पूछने में रेज योर हैंड्स मुझे आती थी मुझे लगता था कि यार बेज्जती हो जाएगी <laughs> यार कई बार टीचर बहुत बेज्जती कर देते हैं क्लास में होता है कि नहीं होता है? किसी कि शर्म आती है डाउट पूछने में लगता है कि यार सर यू नो बेजती कर देंगे सबको होता है बेटा प्रज्ञा सबको होता है तो बेटा और इससे पता क्या होता है कॉन्फिडेंस हमारा डाउन होता है जब जब हम डाउट नहीं पूछ पाते हमें लगता है यार मुझे आता नहीं है ठीक है वेदांत में ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है स्टूडेंट को जो डाउट आया टाइप करा एंटर करा हमारे क्लास टीचर इमीडिएट सोल्यूशन देते हैं समझो क्लास टीचर इमीडिएट डाउट सोल्व कर देते हैं टीचर्स जैसे मैंने बताया टीचर्स मैं भी हूं ठीक है अमित सर है ऐश्वर्य सर है अभिषेक सर भी इसी सेम बैच में हम लोग पढ़ा रहे हैं ठीक है लाइव इन क्लास डाउट सॉल्विंग लाइव इन क्लास क्विज लीडर बोर्ड क्विज आपको मेंटी पसंद है हर क्लास में हमारे एक टॉपिक पढ़ाते हैं उस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चंस देते हैं टॉपिक पढ़ाया टॉपिक पढ़ाया क्वेश्चन करें ठीक है देन टेस्ट जो मैंने ताकि बच्चे को समझ आता है ठीक है कि सर रेफरेंस बुक क्या यूज करें कितने लोगों को लगता है कि सर क्लास टेंथ इंपॉर्टेंट है मैं रेफरेंस बुक क्या यूज करूं मेरे बच्चे बहुत पूछते हैं यस yes? मैं कहता हूं कोई बुक यूज नहीं करनी की बुक यूज़ करो वेदांतु बुक होती है बेटा क्या आपको पूरे के पूरे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन सब इंक्लूडेड होता है समझो इट्स ओनली वन सोर्स फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ठीक है ये ये सारी कि सा, ये सारी सारी फैसिलिटीज बच्चे पूछते हैं कि कितने अवेलेबल अवेलेबल की चीजें में फॉर यू। मैं जब पढ़ता था आप कितना पे करते हो वॉट द ट्यूशन फीस यू आर पेइंग कम ऑन गाइज द ट्यूशन फीस यू गाइज पेइंग जनरली यस

टेस्ट सीरीज डाउट सॉल्विंग नोट्स रिप्ले आप देख सकते हो रिप्ले में क्विजेस वगैरह भी खेल सकते हो एंड ये पूरे साढ़े चार सौ चार हजार रुपए एक साल की फीस है इसको डिवाइड बाय ट्वेल्व करो कितना पड़ता है ये डिवाइडेड बाय ट्वेल्व लेट मी डू इट एक मिनट रुको

पैसे बचाने की होती है चीजें है ना लाइक वी वॉन्ट मैं बता सकता हूं मुझे बहुत बुरा लगता था मैं दो दो हज़ार की फीस था की की मेरी ट्यूशन होती थी घर पे पैसे खत्म होते तो की की वाली कर ली थी समझ लो hmm. आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है यू आर गेटिंग अगर मैं आपकी जगह अभी होता तो आई हैव

यहाँ पे कोड लगा हुआ है ए आर प्रो इसकी वजह से ये जो प्राइस है, है, है।, है।, तो है प्लस में लाइव मास्टर टीचर पढ़ाते हैं ठीक है इसमें डाउट सॉल्विंग प्रॉपर होती है इसमें मतलब आप क्लास के बाद भी डाउट पूछ सकते हो इसमें क्या होता है इसमें थोड़े रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं बट इंटरेक्टिव रिकॉर्डेड हैं कुछ कम नहीं है इसमें

मतलब क्लास चल रही है आपको डाउट आए आपने पूछ लिया फिर आप घर में पढ़ रहे हो फिर से डाउट आए तो आपको क्लास के टाइम पे पूछना पड़ेगा डाउट इसमें. इसमें क्या है आया, पे डाला, में को उसमें क्या है लाइव मास्टर टीचर पढ़ाते हैं समझ आया? Guys, अपने के किया मेरे, मेरे को कितना अलाउ करती है इकोनॉमिक like, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो आई से यू कैन गो फॉर दिस

ये वाला all exciting लिखा होगा पे 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 देखो Pro -light class 10th CBC 20 -20 -20 इस पे आ गए यहाँ पे जाके बाई पे क्लिक करोगे यू कैन एनरोल इन क्लासेस ठीक है कितने लोगों को लगता है कि सर मुझे लगता है कि इस क्या कहते हैं कोर्स में एनरोल होने से मेरे को फायदा होगा अंदर से आवाज आती है किसको लग रहा है यार कि हाँ से मेरे को फायदा हो सकता है एंड आई विल बी एनरोलिंग इनटू द क्लास टेल मी इन द चैट बॉक्स यस गाइस रेज योर हैंड्स और यो इन द चैट बॉक्स कम ऑन कितने लोगों को लगता है कि सर मुझे लगता है कि इससे मेरे को फायदा होगा प्रियंका को लगता है अक्षु को लगता है परफेक्ट मनीष को भी लगता है ग्रेट जॉब बेटा मे मे इस आखिरी मंथ से लेकिन मे से इसकी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं ठीक है ये जो ये जो फोर फोर्टी फाइव हंड्रेड काउजेंड वन हंड्रेड का हो जाएगा तो जो भी बच्चे एनरोल होना चाहते हैं मैं कहूंगा ये मे महीना खत्म होने से पहले इसी हफ्ते में एनरोल कर लो आज ही एक नया बैच स्टार्ट हुआ था ट्वेंटी थर्ड मे को तो इफ यू आर एनरोलिंग और टुमारो आप उस बैच में एनरोल करके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो ठीक है अगर आप थोड़ा वेट करोगे तो आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे हमें ईमेल आ चुका है ऑलरेडी ठीक है इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं जो 4500 का ये बढ़ जाएगा हंड्रेड का कुछ का होने वाला है ठीक है फिर बाद में मत कहना कि सर ये तो महंगा हो गया इसको कम करा दो स्टार्ट देखो पहली चीज आपको स्टार्ट जल्दी करना चाहिए ठीक है एक बार प्राइस बढ़ गया तो हम लोग नहीं कर पाएंगे हमें बस पता चलता है कि ये प्राइसेस हो गए ठीक है वो बिजनेस साइड से कॉल आती है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो हमारा फर्ज है आपको बताना बाकी आपके ऊपर है ठीक है अगर आप रियली इंटरेस्टेड आपको लगता है कि सर मेरे को इससे मदद होगी तो आई वुड से आज या कल में एनरोल करके ट्वेंटी थर्ड मे वाले बैच में एनरोल करना ट्वेंटी जून वाला थोड़ा उसमें आपके क्या हो जाएंगे पैसे बढ़ सकते हैं और थोड़ा लेट भी हो जाएगा स्टार्ट कर दो अभी से क्योंकि सारे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया ठीक है डोट डोंट वेस्ट एनी मच टाइम कुल चले आगे वेरी गुड परफेक्ट चलो लास्ट देख लेते हैं यस yes. तो बेटा देखो जो स्टडी मेटेरियल ना वो जैसे मैंने बताया था एनसीआर की बुक सबसे पहली स्टडी मेटीरियल है ठीक है एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो से कर सकते हो बट अगर आप वेदांतु के स्टूडेंट हो तो आपकी तत्वा बुक विल भी सफिशियंट ठीक है और वेदांतों का ऐप डाउनलोड कर लेना बेटा वेदांत के ऐप में ना फ्री में फ्री में सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने कर रखे ठीक है वेदांतों की ऐप पे फ्री में आपके सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं तो वो आप उसमें देख सकते हो ठीक है समझे मेरी बात को तो वो कर लेना बेटा तो प्लीज फॉलो ऑल दीज मेथड विच आईव टोल्ड यू सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड से टेक अप अ शेड्यूल शेड्यूल बना लो ठीक है नंबर टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स ठीक है जो भी क्लासेस वेदांतु की अटेंड करे तो वेदांतु में क्लासेस बनाओ नोट्स बनाओ ठीक है और अगर आप कहीं पे भी हो तो मेक नोट्स मेक योर ओन नोट्स नंबर थ्री डोंट स्किप द टेस्ट ठीक है कहीं पे भी हो टेस्ट देना बहुत जरूरी है ठीक है वेदांतों में तो आपके हर महीने टेस्ट होते ही होते हैं हर चैप्टर के होते हैं तो हर सब्जेक्ट के होते हैं तो करते रहना है देन गो थ्रू द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ठीक है एंड गाइज प्लीज फोकस ऑन द एग्जाम्पल एंड डायग्राम्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट ओके एंड Focus on a set of ऐसा नहीं कि सारे को फॉलो कर, कर, yes कर लो इसके कोर्स बढ़ने वाले मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ठीक है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वहां पर जाके यू कैन यूज द कोड ए आर ए प्रो सॉरी ए आर प्रो यूज करोगेउंट कुल ट्वेंटी थर्ड में जैसे कि आज आज ही एक नया बैच लॉन्च हुआ है तो आई वुड से डोन्ट वेट टिल द नेक्स्ट बैच अभी ज्वाइन करके अभी से क्लासेस स्टार्ट कर लो ठीक है परफेक्ट एंड वन मोर थिंग आपका जो बेस है ना जो भी आई और नीट वाले बच्चे हैं जिनको भी लगता है मुझे ना फ्यूचर में आई करना है या फिर नीट करना है उनके लिए तो मस्ट है ठीक है क्योंकि आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ठीक है बेटा तो उनके लिए तो मस्ट हैर्ली एज possible. Don't wait. कूल तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस राखी यादव पूछने कि सर कब तक प्राइस बढ़ जाएंगे बेटा प्राइसेस बढ़ जाएंगे इस वीक में इस वीक में प्राइसेस बढ़ जाएंगे आज भी बढ़ सकते हैं कल भी बढ़ सकते हैं ठीक है बट गारंटी 31 मई के बाद तो 101% परसेंट बढ़ने वाले हैं ठीक है 31 मई के बाद 101% बढ़ जाएंगे बट आई कैन से इस वीक में भी बढ़ सकते हैं ठीक है जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं

ठीक है बाद हम भी कुछ नहीं कर सकते बिजनेस साइड से आता है ठीक cool. है ना कि देखो वाई टेक चांसेस क्लास टेंथ में वाई वुड यू वॉन टेक चांसेस ठीक है यूट्यूब पे तो होता ही होता है मतलब वेदांतु प्रो में क्या होता है वहां पे आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती जैसे कि टेस्ट सीरीज हो गया

तो थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगर आप चाहते हो कि मैं कोई वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स की सर इस टॉपिक पे वीडियो बना तो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए ठीक है और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लीव हार्ड इन द कमेंट बॉक्स लाइक द वीडियो टू चैनल एंड बाय